के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीद सैनिकों में कर्नल समेत सभी जवान बिहार रेजिमेंट के हैं। बड़ी संख्या में बिहार रेजिमेंट के जवान घायल हैं। उनकी वीरता पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सगुना मोड़ से सैनिक चौक दानापुर रेजिमेंट तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी ब्रह्म प्रकाश सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी की जिला इकाई पटना की तरफ से यह मार्च निकाला गया है। हम सभी भारतीय देश की सेना के साथ हैं और उनके साथ हम सभी युवा शहीद होने को तैयार हैं। आक्रोश मार्च और कैंडल मार्च की अध्यक्षता चौधरी ब्रह्म प्रकाश सिंह ने किया। इसके साथ ही कैंडल मार्च में उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, जोनल सचिव विद्याभूषण शर्मा, प्रदेश नेता अरविंद कुमार, पटना जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार, मनेर प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार, दानापुर प्रखंड अध्यक्ष कुमार रोहित और मनेर विधानसभा प्रभारी अजय कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। आम जनता भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुई। 2 मिनट मौन के साथ ही सैनिक चौक के पास कैंडल को लगाकर देश भर मर मिटने वाले बलिदानों को याद करते हुए सभा को समाप्त किया गया। चाइना द्वारा जो 20 जवानों की हत्या की गई है, भारत के सैनिक हैं, क्या कहें? बहुत ही निंदनीय घटना है। चाइना अपने आप को सरताज नहीं समझे, भारत देश उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। हम जितना शांति के पुजारी हैं, उतना ही अपना समर में भी दम रखते हैं। अपने फौलादी सीना है हमारे पास। चीना अब सबक ले, नहीं तो चाइना को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा है। यह आम आदमी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हम लोग निकाले हैं ये रैली। वीर शहीद आप मत घबराना, तेरे पीछे पूरा जमाना, तेरे पीछे पूरा हिंदुस्तान है। भारत 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 भारत